नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेलवे सर्वेंट पास रूल्स 1986, जिसका ब्रीफ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसका अगर सारे रूल्स के बारे में आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरा वीडियो सर्च करते हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल से सारे रूल्स के बारे में बताया। तो इसमें हम लोग ब्रीफली एक ओवरव्यू लेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पास, पास की डेफिनेशन रहेगी, जिसमें कि हम लोग रूल नंबर 2 में दिया हुआ डेफिनेशन। फैमिली किसको बोला जाएगा? फैमिली बोला जाता है हस्बैंड वाइफ, चाहे वो कमा अर्निंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, अनमेरिड डॉटर, बिना शादी के जो डॉटर है वो इज रिसाइडिंग विथ आर होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय एंड सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर। 21 से एज का कम एज का रहेगा तो वो रहेगा फैमिली में। एंड द एज लिमिट विल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड स्टूडेंट, या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि किसी इंस्टीट्यूट से, रिसर्च स्कॉलर सेंटर से, स्कॉलर जहाँ से स्कॉलर इज नॉट रिसीव्ड बाय ऑफ स्टाइपेंड एंड इनवैलिड एन आर्टिकल क्लर्क अंडर और चार्टर्ड अकाउंट में अगर जो काम करता है, तो वो जो स्टूडेंट रहेगा फैमिली में। और साथ ही अगर विडो डॉटर रहेगी तो वो उसमें रहेगी, या इनवैलिड कोई बच्चा रहता है जिसको कि डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाई कर दिया जाता है, तो किसी भी एज का बच्चा रहेगा वो फैमिली में इंक्लूड रहेगा। वो चीज़ इसमें नहीं लिखी है लेकिन वो भी रहेगा उसमें। अब डिपेंडेंट रिलेटिव वेदर फादर इज़ नॉट अलाइव, जब फादर अलाइव नहीं है तो उस कंडीशन में विडो जो रिलेटिव रहेंगे वो कौन रहेंगे? तो विडो मदर रिसाइडिंग विद आर होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, चाहे वो साथ में रह रही हो नहीं लेकिन होली डिपेंडेंट होना चाहिए एम्प्लॉय पे। अनमेरिड और विडोड ऑफ डाइवर्स सिस्टर, डाइवर्स सिस्टर है, अनमेरिड सिस्टर है या विडोड सिस्टर है, तो वो सिस्टर साथ में एज ए डिपेंडेंट रहेगी। ब्रदर बिलो एज 21 ईयर ऑफ एज, भाई जो भी 21 से कम का एज का रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा। द एज लिमिट विल नॉट अप्लाई फॉर टू द बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, रिसर्च स्कॉलर नॉट इन रिसिप्ट ऑफ स्टाइपेंड, जहाँ से उसको रिसिप्ट नहीं मिलती है, इनवेलिड आर्टिकल्ड क्लर्क अंडर द चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट के अंदर में काम करने वाला जो है आर्टिकल्ड क्लर्क रहेगा, उसे भी उसमें एज लिमिट का नहीं रहेगा। अगर मान लो वहाँ से उसको कोई स्टाइपेंड रिसिप्ट नहीं होती है तो गार्जियन किसको बोला जाएगा? गार्जियन मतलब बोला जाएगा एक फैमिली मेम्बर, डिपेंडेंट रिलेटिव और पेड नर्स, नर्स जिसको पे करके दिया जा रखा जाता है, ए गवर्नेंस और ए अटेंडेंट, इसको बोला जाता है गार्जियन। अटेंडेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? अटेंडेंट मीन्स होता है अ पर्सन एग्जीक्यूटिवली एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन द पर्सन पर्सनल सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की पर्सनल सर्विस के लिए जिस व्यक्ति को एज ए सैलरी देकर रखा जाता है उसको बोला जाता है अटेंडेंट। होली डिपेंडेंट, जो पर्सन जो है एम्प्लॉय पर डिपेंड करेगा उसको बोला जाता है होली डिपेंडेंट। अ पर्सन डज नॉट हैव एनी इनकम ऑफ मोर देन बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर ₹3500 से बेसिक जो कि 15% बेसिक होता है उसका, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए उसकी इनकम किसी भी सोर्स से, एम्प्लॉय की बेसिक का 15% होता है। पास मीन्स एंड अथॉरिटी गिवन टू द रेलवे टू अ पर्सन परमिटेड हिम टू ट्रेवल बाय द ट्रेन फ्रीली, पास बोला जाता है। पीटीओ वही जो जिसको कि 30% पे देकर कैश कराया जाता है। सिंगल जर्नी पास, अब जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन, अ सेट ऑफ पास, सेट में से इनवर्ड और टूवर्ड दोनों जर्नी रहेगी, आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों इंक्लूड रहेगी। ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर, पास लेने के लिए जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहता है, उसमें मार्च और अप्रैल वाला जो मतलब है क्या बोलना चाहिए सेगमेंट है वो नहीं रहता उसमें। काइंड्स ऑफ पास, पास कितने प्रकार के होते हैं? तो मेटल पास होता है, कार्ड पास होता है और चेक पास होता है। मेटल पास में कौन कौन से हो जाएंगे? गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज, क्योंकि ऑफिसर्स ग्रेजुएटेड ऑफिसर्स को मिलते हैं। ड्यूटी कार्ड पास में कौन से हो जाएंगे? ड्यूटी कार्ड पास हो जाएगा, स्कूल कार्ड पास हो जाएगा, इंजन पास हो जाएगा, रेसिडेंशियल कार्ड पास हो जाएगा, प्रोविजन कार्ड पास हो जाएगा। चेक पास में प्रिविलेज पास,
ट्रांसफर पास, पासेज फॉर शॉर्ट स्पोर्ट्स पर्सन, इमरजेंसी ड्यूटी पास, पास टू स्काउट एंड गाइड, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, ड्यूटी पास, स्कूल और स्कॉलर पास, मेडिकल पास, किट पास और विडो पास, इस टाइप के इतने टाइप के पास होते हैं। मेटल पास जो होता है, गोल्ड पास, गोल्ड पास किसको दिया जाएगा, तो गोल्ड पास दिया जाएगा CRB, रेलवे बोर्ड, फाइनेंस कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे, रेलवे सेफ्टी एंड GMs एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ इक्विलेंट स्टेटस, जो भी जिनका कि इक्विलेंट स्टेटस है फॉर द गोल्ड पास। और गोल्ड पास किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये किया जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा इशू। जो ऑफिसर होल्डिंग गोल्ड पास, जिसको जो ऑफिसर गोल्ड पास लेके मतलब इंटाइटल है, तो ड्यूटी बाय फर्स्ट क्लास AC थ्रू आउट रेलवे, इंडियन रेलवे में कहीं भी जर्नी कर सकता है। और वो अपने साथ में अपने फैमिली मेम्बर, क्योंकि लिमिट है उनकी चार तक ले जा सकता है, जिसमें दो फर्स्ट AC में और दो अदर क्लास में या फर्स्ट क्लास में, उसमें जर्नी करके इस तरह चार लोगों को अपने साथ में ऑन ड्यूटी पास के साथ ले जा सकते हैं ऑफिसर इंडियन रेलवे में कहीं भी गोल्ड पास वाले। ओके, फिर देखते हैं इनका इंटाइटलमेंट कौन रहेगा, उसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट चैप्टर में रहेगा उसमें। सिल्वर पास, सिल्वर पास दिया जाता है सभी जो HODs हैं एन ऑफिसर ऑफ इक्विलेंट आर इंटाइटल फॉर सिल्वर पास, इसको भी रेलवे बोर्ड द्वारा इशू कर किया जाता है। और जो ऑफिसर होल्डिंग करता है सिल्वर पास कैन ट्रेवल ऑन ड्यूटी बाय AC थ्रू आउट इंडियन रेलवे, कहीं पर भी इंडियन रेलवे में, अलॉन्ग विथ हिज फैमिली इन एनी क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास AC। फर्स्ट क्लास को छोड़कर किसी भी AC की क्लास में जर्नी कर सकता है एंड इन फर्स्ट क्लास ऑन पेमेंट ऑफ 1/3 ऑफ डिफरेंस, और अगर फर्स्ट क्लास में जर्नी करनी है तो 1/3 पेमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द फेयर बिटवीन द फर्स्ट क्लास AC एंड फर्स्ट क्लास फॉर हिज फैमिली सब्जेक्ट टू यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम ऑफ 4 वर्थ, कितनी 4 वर्थ का यूटिलाइज कर सकते हैं, 4 ही वर्थ के लिए करवा सकते हैं। JAG ऑफिसर्स ड्राइंग पे ऑफ होती है, तो पुराना बेसिक दिया हुआ है 53, तो इसको बोला जाएगा ML 12 के बाद में जो लोग रहेंगे वो कर सकते हैं इंडियन रेलवे में कहीं भी जर्नी। एंड देज कैन ट्रेवल विथ फैमिली इन फर्स्ट क्लास AC ऑन पेमेंट ऑफ 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास पास, फर्स्ट क्लास AC और फर्स्ट क्लास, इसमें जो डिफरेंस आएगा उसका 1/3 पे करके वो अपनी फैमिली के साथ कहीं भी इंडियन रेलवे में जर्नी कर सकते हैं। दे कैन हाउएवर अवेलेबल मैक्सिमम ऑफ 4 बर्थ, लेकिन वो सिर्फ 4 बर्थ ही बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट दिया है ब्रांच पास, तो ब्रांच पास होता है द ऑफिसर्स हु आर इंटाइटल फॉर नॉट, जो इंटाइटल गोल्ड और सिल्वर के लिए इंटाइटल नहीं रहते हैं उन सभी को ब्रांच पास दिया जाता है। और ये इशू किया जाता है जोनल रेलवे द्वारा। इट इज़ इंटाइटल टू होल्डर टू ट्रेवल ऑन ड्यूटी इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास AC, फर्स्ट क्लास AC को छोड़कर किसी क्लास में जर्नी कर सकते हैं वो। एंड दे कैन टेक देयर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो वाइल ऑन टूर बाय अवेलिंग 4 बर्थ इन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, 4 बर्थ, इसमें भी 4 बर्थ का लिमिटेशन है। कार्ड पास देख लेते हैं, ड्यूटी कार्ड पास होता है तो DCPs आर इशूड टू अदर ऑफिसर। DCP क्या होता है, ड्यूटी कार्ड पास, ड्यूटी कार्ड पास दिया जाता है जो ऑफिसर जिनको कि फ्रिक्वेंटली कहीं भी जर्नी करना पड़ता है अचानक उनको, तो उनकी जर्नी फ्रिक्वेंटली रहती है, इस कारण उनको सब पास दे के रखते हैं कि वो कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि जोनल रेल जोनल बोर्ड पे या फिर इंडियन रेलवे का भी होता है ड्यूटी कार्ड पास, और जोनल रेलवे पे भी होता है। और इसका पीरियड नॉर्मली 1 साल का पीरियड होता है, उसके बाद उसको रिन्यू कराते हैं तब वो जर्नी कर सकते हैं। रेसिडेंशियल रिन्यू क्या, कब से, मार्च से, मतलब मार्च सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च उसका ईयर रहता है। रेसिडेंशियल कार्ड पास, रेसिडेंशियल कार्ड पास इज इशू टू रेलवे सर्वेंट ओवर नोटिफाइंग सेक्शंस फॉर ट्रेवल फ्रॉम इधर प्लेस ऑफ रेसाइडिंग टू द प्लेस ऑफ ड्यूटी एंड बैक, जहाँ पर उसको ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है वहाँ और वहाँ से आने के लिए बैक, ये दिया जाता है। ये भी 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी कोई मार्च टू अप्रैल रहती, अप्रैल टू मार्च रहेगी। स्कूल कार्ड पास, स्कूल पार्ट कार्ड पास दिया जाएगा रेलवे सर्वेंट इनेबल टू देम इन ट्रेवल विथ स्टेशन नियर, जो भी नियर का स्टेशन रहेगा वहाँ से, एंड स्टेशन नियर टू द स्कूल या कॉलेज के पास का जो नियर रेलवे स्टेशन रहेगा वहाँ से लेके अपने घर के पास का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा वहाँ तक के लिए। और ये स्कूल अथॉरिटी के जो सर्टिफिकेट के आधार पर ये दिया जाता है। मैक्सिमम ऑफ 3 स्कूल कार्ड पास कैन बी इशू टू अ रेलवे सर्वेंट एट अ टाइम एंड वार्ड ऑफ रिटायर्ड, जो भी एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गए हों या डिक्रीज रेलवे सर्वेंट है
आर एलिजिबल फॉर स्कूल कार्ड पास टिल द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, जिस साल में वो एक्सपायर हुए उस साल के एकेडमिक ईयर के एंड तक उसको जो है वो इशू करा सकते हैं, इन विच द रिटायरमेंट और डेथ टेक प्लेस, या फिर रिटायरमेंट होते हैं उसके उस लास्ट जो एकेडमिक ईयर रहेगा वहाँ तक। प्रोविजन पास, प्रोविजन पास आर इशू टू रेलवे सर्वेंट वर्किंग आउटसाइड स्टेशन आर फॉर देयर अटेंडेंट टू गो टू नियर मार्केट परचेज करने के लिए प्रोविजन्स लाने के लिए, एंड द होल्डर ऑफ द पास कैन कैरी 45 kg ऑफ प्रोविजन्स एट अ टाइम। दीज पासेज आर इशूड विद द पर्सनल सेंक्शन ऑफ GM। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो इस पर्सनल पास में, प्रोविजन पास में किसकी अथॉरिटी अथोराइज कौन है जो दे सकता है, तो GM सर है सेंक्शनिंग अथॉरिटी। रूटिंग ऑफ पासेज, पास का रूट क्या होता है, बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट, अगर शॉर्टेस्ट रूट के अलावा कोई लॉन्ग रूट है जो कि 15% से कम की डिस्टेंस में है तो वहाँ से दिया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी ट्रेन है जो लॉन्गेस्ट रूट से जाती है लेकिन टाइम उसका कम है तो उस रूट से भी दिया जाता है, क्विकर रूट जो भी रहेगा, अल्टरनेटिव रूट से भी दिया जा सकता है। चेक पास, अब इसमें हम लोग चेक पास देख लेते हैं, तो चेक पासेज आर इश्यूड ऑन ड्यूटी चेक पासेज आर इशूड ऑन ड्यूटी या प्रिविलेज एंड ट्रांसफर स्कूल पासेज जो एज एक कॉपी के रूप में दिया जाता है रिटायरमेंट एंड मेडिकल ग्राउंड, इट कैन बी अवेल्ड इधर ऑन द ऑनवर्ड जर्नी और द रिटर्न जर्नी। द मेडिकल पासेज द अटेंडेंट कैन ट्रेवल इन द सेम क्लास अलॉन्ग विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट रहेगा सेम क्लास में जर्नी कर सकता है अगर वो मेडिकल पास है तो। एंड हायर पासेज इज ऑल्सो गिवन ऑन मेडिकल, मेडिकल ग्राउंड पर अगर कोई पास इशू किया जाता है वो हायर क्लास का भी दिया जा सकता है, जिसके लिए एम्प्लॉय एंटाइटल नहीं है वो भी हायर क्लास का उसे दिया जा सकता है। एंटाइटलमेंट फॉर प्रिविलेज पासेज एंड PTOs, रेलवे सर्वेंट जो कि सर्विस सर्विंग रेलवे सर्वेंट है ग्रुप ए और ग्रुप बी, उनको 6 सेट पर ईयर दिया जाता है, PTO दिए जाते हैं 4 सेट पर ईयर, स्पेशल क्लास अप्रेंटिस के लिए 2 सेट दिए जाते हैं 4 सेट PTOs, एंड ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 1 सेट फॉर 5 ईयर की अगर उसका सर्विस हुआ है तो 5 साल तक की जर्नी के लिए 1 सेट दिया जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा उसकी सर्विस हो गई है तो उसे 3 सेट दिए जाएंगे। PTO तो 4 ही रहेंगे उसके लिए। इसमें और ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी फर्स्ट क्लास में ए पास दिया जाएगा उनको, और टाइप ऑफ ड्यूटी पास उसका ड्यूटी पास भी रहेगा उनका फर्स्ट क्लास ए। नॉन गजेटेड एम्प्लॉय इन ग्रेड 42 एंड अबो, 42 से अबो के ग्रेड के हैं तो उनको फर्स्ट क्लास पास दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास ड्यूटी पास भी रहेगा। इन ग्रुप ग्रेड पे 2800 मतलब ML 5 तक के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए सेकेंड क्लास ए पास दिया जाता है और ड्यूटी पास भी सेकेंड क्लास है। इन ग्रेड पे 1900 एंड अबो बट बिलो 2800 जो भी इस रेंज में आएंगे उनको सेकेंड क्लास ए पास दिया जाएगा इन अ ईयर, साल में एक, एंड रिमेनिंग पासेज इन PTO ऑफ सेकेंड क्लास स्लीपर के दिए जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड क्लास ए पास है इसमें वो थर्ड AC में जर्नी कर सकते हैं और सेकेंड क्लास ए पास इधर। एम्प्लाई इन ग्रेड पे 1800 जो एम्प्लाई 1800 के एम्प्लाई ग्रेड पे में है ऑन सेकेंड ए क्लास इन अ ईयर, सेकेंड ए क्लास उनको दिया जाएगा साल में एक बार, रिमेनिंग पासेज इन PTOs ऑफ सेकेंड और सेकेंड क्लास के लिए ड्यूटी पास भी वही सेम रहेंगे। अब सेटलमेंट पास, ये इसमें थोड़ा सा गलत दिया, सेटलमेंट पास दिया जाता है 1 साल में, किट एंड वैगन पासेस 1 मंथ, कुछ पास डिटेक्ट हो रहा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं विडो पास, विडो पास स्कीम केम इनटू फोर्स 12/3/1987 ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है। 12 मार्च 1987 से विडो पास की स्कीम आई थी। ऑल रेलवे सर्वेंट हुए बीन अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 12/3/1987 आर ऑटोमेटिकली कवर्ड अंडर द स्कीम, जो बाद में ज्वाइन हुए वो तो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगे।
लेकिन एम्प्लॉय इन हुवर इन सर्विस, जो कि सर्विस में थे 1987 से, एंड चांस ऑप्ट फॉर स्कीम बाय सरेंडरिंग टू सेट्स ऑफ पीटीओ, दो सेट पीटीओ के अगर वो जमा करते हैं तो उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलता है। एंड विडो पास स्कीम इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू विडोअर्स, मतलब अगर मेल एम्प्लॉय भी है, वाइफ अगर उनकी एक्सपायर हो गई है, मेल जो मतलब पेंशनर है, विडो फैमिली पेंशन विडोअर, उसको भी जो है अलाउ रहेगा ये। द विडो पास स्कीम हैज़ नाउ बीन एक्सपेंडेड टू रेल एम्प्लॉय अपॉइंटेड बिफोर 12/3/87 ऑन पेमेंट ऑफ 250 या 250 रुपये जमा करके। विडो पासेज आर ऑल्सो अलाउड एट द रेट ऑफ हाफ ऑफ द क्वांटम ऑफ रिटायरमेंट एलिजिबिलिटी। तो विडो पास कितने दिए जाएंगे, जो रिटायरमेंट एलिजिबिलिटी है उसके हाफ दिए जाते हैं। इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट हु डाई इन सर्विस विथ लेसर सर्विस, अगर वो कम सर्विस के दौर में ही मर जाता है एलिजिबिलिटी के कारण, इट विल बी डीम, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि एम्प्लॉय हैज़ कम्प्लीटेड द मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास एंड विडो पासेज आर इशूड अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है विडो पास उसको इशू कर दिए जाएंगे। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास की जो मतलब है एलिजिबिलिटी है, उसके आधे जो है ये दिए जाते हैं विडो पास है। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास क्या होता है, जब देख लेते हैं कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको जो पासेज दिए जाते हैं उसको बोला जाता है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज। और इसका मतलब हो गया कि रेलवे अगर एम्प्लॉय जब सर्विस में रहता है तो उसके ड्यूरेशन ऑफ सर्विस देखी जाती है, कितने साल उसने सर्विस की है, उसके आधार पर उसे PRCP इशू किए जाते हैं। तो उसका क्या रेट रहेगा कि मतलब कितने मिलेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए कम्प्लीटेड 20 ईयर बट लेस देन 25 ईयर ऑफ सर्विस तो उसे दो सेट दिए जाएंगे, किसको, ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स को, और अगर वो 25 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 सेट दिए जाएंगे। ग्रुप सी के लिए दिया जाएगा दूस कंप्लीटेड 20 to 25 ईयर ऑफ सर्विस, 1 सेट दिया जाएगा, एंड हुज कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ सर्विस एंड मोर, 2 सेट्स दिए जाएंगे PRCP। और ग्रुप डी के लिए दोज हु कंप्लीटेड 20 ईयर ऑफ सर्विस एंड मोर, दे आर एलिजिबल फॉर ओनली 1 सेट ऑफ PCO। तो इसमें ये है PRCP की एलिजिबिलिटी, कितने सेट मिलेंगे। तो यहाँ था दोस्तों पास रूल्स के बारे में एक ओवरव्यू था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसका आपको मैं PDF जो है आप भी मेरे यूट्यूब चैनल मतलब ये टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड गॉड ब्लेस यू।